अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बस्तर की सांस्कृतिक पाठशाला घुटुल के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। सन 1940 में एक किताब प्रकाशित होती है जिसका हिंदी में अर्थ था मूरिया और उनका घोटुल, जिसे 1960 में हिंदी संस्करण के साथ प्रकाशित किया गया, जिसके लेखक थे प्रसिद्ध नृशास्त्री और भारत के प्रतिष्ठित पद्म सम्मान से सम्मानित श्री वेरियर एल्विन, जिन्होंने बस्तर के आदिवासी समाज में एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सामाजिक संस्था घोटुल को पूरी दुनिया के सामने रखा। हिंदी संस्करण निकलने के बाद लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और बिना सोचे समझे या कहें बिना जाने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। फलस्वरूप एक ख्याति प्राप्त संस्था कुख्यात हो गई। लोग हिंदी संस्करण पढ़कर स्वयं को घोटुल का विशेषज्ञ मानने लगे और उलझुलुल बातें इसके बारे में प्रचारित करने लगे। वहीं इन सारी बातों से बेखबर बस्तर का आदिवासी समाज पूरी तन्मयता के साथ अपनी सामाजिक संस्था घोटुल को बचाए हुए था। आज समय की आवश्यकता यह है कि इस सामाजिक संस्था को विशुद्ध आदिवासी नजरिए से देखा जाए। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह घोटुल या गोटुल क्या है, घोटुल की संचालन व्यवस्था किस प्रकार होती है, घोटुल के नियम क्या होते हैं, घोटुल में कौन से नृत्य किए जाते हैं तथा घोटुल का महत्व क्या है, घोटुल का सामाजिक सरोकार क्या है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण घोटुल का क्षरण हो रहा है, तथा घोटुल के पुनरुत्थान के लिए कौन से सरकारी या निजी प्रयास किए जा रहे हैं, घोटुल के देवता लिंगो कौन है, तथा अंत में अन्य जनजातियों के युवा गृहों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लेते हुए चर्चा को विराम देंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि घोटुल या घोटुल क्या है। प्रस्तुत लेक्चर के प्रारंभ से ही यह स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि मूरियों की जिस संस्था के बारे में बात की जा रही है वह घोटुल नहीं गोटुल है। यह शब्द गोंडी के गो धन टुल इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। गो माने गोंगा अर्थात दुख और क्लेश निवारण शक्ति जिसे विद्या कहा जा सकता है, और टुल माने ठिया या ठाना जिसे स्थल कहा जा सकता है। इस तरह घोटुल का अर्थ गोंगा स्थल अर्थात विद्या का स्थल होता है। वेरियर एल्विन मूरिया एंड देयर घोटुल की भूमिका के पृष्ठ क्रमांक 7 में लिखते हैं कि बस्तर का घोटुल या गोटुल विश्व का सर्वाधिक विकसित तथा सावधानी पूर्वक संगठित संस्था है। सुचित्रा विश्वकर्मा अपनी रचना जनजातीय युवा गृह के बदलते मायने में अपने विचार रखती हैं कि पहले किसी स्थान में अपने परिवार तथा अन्य सामग्री की रक्षा हेतु कुछ लोगों को एक कुटिया में रुकना पड़ा रहा होगा। यही परंपरा आगे चलकर घोटुल के रूप में बदल गई है। आइए अब देखते हैं कि घोटुल की संचालन व्यवस्था किस प्रकार होती है। घोटुल में चूंकि मूरिया जनजाति का भविष्य संवर रहा होता है, इसलिए उसके संचालन की उत्तम व्यवस्था की जाती है। गांव के समान ही नेतृत्व, पंचायत विभिन्न कार्यों को करने के लिए लड़के लड़कियों का चुनाव घोटुल जाने वाले लड़के लड़कियों से किया जाता है। पहला दीवान, सरदार या मुखिया, ये घोटुल व्यवस्था में उच्चतम अधिकार रखते हैं। इन्हें संवैधानिक प्रमुख की हैसियत मिली होती है। दूसरा कोटवार या चालन, ये लोग घोटुल में उपस्थिति तथा लड़कियों की देखभाल तथा उनके क्रियाकलापों पर नजर रखते हैं। तीसरा मुंशी, घोटुल में पैसों का लेन देन उतना तो नहीं होता, परंतु मुंशी सभी कार्यकलापों का लेखा जोखा मौखिक रूप से रखता है। चौथा जमादार, ये इस बात पर नजर रखते हैं कि लड़कियों को कंघियों की पूर्ति आसानी से होती रहे। कंघियां लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि ये लड़कों द्वारा विशेष उपहार के तौर पर दिए जाते हैं। पांचवा कड़की, दूसरे घोटुल से आने वाले लोगों का विशेष ध्यान इसे रखना होता है। छठवां दफेदार या बैदर, घोटुल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और विशेषकर फूस की छप्पर का ध्यान रखने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। सातवां कजंती या चालकी, तंबाकू की आपूर्ति तथा आगंतुकों को तंबाकू देना इनका मुख्य कार्य है। आठवां बड़े पहरेदार नानी, बैठक व्यवस्था चटाई का प्रबंधक होता है। नौवां कामदार, बेलदार, चौकीदार या लिखन, ये सुरक्षित स्टाफ की तरह होते हैं, सौंपे गए कार्य करना इनका फर्ज होता है। दसवां बेलोसा या दुलोसा, सभी लड़कियों की नेता होती है। ग्यारहवां तिलोक, निरोसा, पयोसा, जनको, मलको, घोटुल की सफाई तथा दीवान द्वारा बताए गए कार्यों को इन्हें करना होता है। आइए अब देखते हैं कि घोटुल के नियम क्या होते हैं। घोटुल के नियम अलिखित किंतु बहुत ही कठोर और सर्वमान्य होते हैं।
विवाहितों को घोटुल के अतिरिक्त क्रियाकलाप में भागीदारी की अनुमति विशेष अवसरों को छोड़कर प्रायः नहीं होती है। पहला, सभी सदस्यों को घोटुल सहित गांव में शांति बनाए रखने में सहयोगी होना आवश्यक है। दूसरा, गांव के किसी भी काम में घोटुल की सहमति लेना आवश्यक है। तीसरा, मोटियारिनों के लिए आवश्यक है कि वो घोटुल के भीतर और बाहर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। चौथा, संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए कार्य को संपन्न कराना आवश्यक है। पांचवा, अपने वरिष्ठों का सम्मान तथा कनिष्ठों के प्रति सदैव होना जरूरी है। छठवा, मोटियारिनों के लिए पनेया, जो एक तरह का कंघा होता है, बनाकर देना आवश्यक होता है। सातवा, प्रत्येक चली को प्रतिदिन लकड़ी लाना आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घोटुल की उत्पत्ति के मिथकों के बारे में। बस्तर का आदिवासी समाज देव संस्कृति का पोषक है और घोटुल देव संस्कृति का अभिन्न अंग। घोटुल की उत्पत्ति के विषय में जानकारों की अलग अलग राय है, जिनमें से कुछ प्रमुख राय इस प्रकार से हैं। पहला, आदिवासी समाज के प्रमुख रजनूराम नेताम का कहना है, सामाजिक और देव कामों को करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती थी, जिसे ही घोटुल का रूप और नाम दिया गया। दूसरा, दंडकारण्य शोध संस्थान के अध्यक्ष है हरिराम मिश्रा जी वाल्मीकि रामायण का हवाला देते हुए शुक्राचार्य अर्जा की कहानी सुनाते हैं। अर्जा के साथ के लोग एक ही गोत्र के माने गए, गोत्र कुल ही आगे चलकर घोटुल हुआ। तीसरा, घोटुल का संबंध राम वन गमन पथ से जोड़ते हुए हल्बी में रामचरित मानस का काव्यानुवाद करने वाले ठाकुर राम सिंह जी का कहना है कि घोटुल वास्तव में राम और माता सीता की पर्णकुटी है, जहां बाहर लक्ष्मण जी पहरा देते थे। चौथा, पूस कोलांग परब के रचयिता श्री के आर मंडावी ने लिंगों को घोटुल का संस्थापक बताया है। पांचवा, 1978 में आकाशवाणी को दिए अपने एक इंटरव्यू में अशोक तिवारी जी बताते हैं कि वनों के मध्य स्थित गांव पर किसी खतरे से निपटने के लिए युवा शक्ति को जिस स्थान पर संग्रहित करके रखा जाता था, वही घोटुल था। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि घोटुल में प्रमुख गीत कौन से होते हैं। घोटुल सदस्यों के बीच कई प्रकार की कहानियां, गीत, पहेलियां आदि प्रसिद्ध हैं। बस्तर के आदिवासी गीतों को पाटा के नाम से जाना जाता है। बस्तर के आदिवासी लोगों के बीच कई पाटा गीत प्रसिद्ध हैं। विभिन्न अवसरों पर अनेक गीत गाए जाते हैं। ये गीत सबसे प्रामाणिक तरीके से प्रकट करने के रूप में मूल्यवान है, जिसे मोरिया स्वयं महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि घोटुल गीत मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। पहला, मुरमी पाटा। ये गीत मोटियारिनों के द्वारा स्थानीय विवाह समारोहों में गाए जाते हैं। मुरमी पाटा विवाहित महिलाओं के बीच भी प्रसिद्ध है, लेकिन कोई विधवा इस गीत को नहीं गा सकती। दूसरा, रीला पाटा। रीला पाटा को विभिन्न उत्सवों के अवसरों में भी गाया जाता है। हर घोटुल सदस्य को एक रीला गीत को सूचीबद्ध करना सीखना चाहिए। ये गीत कभी कभी चेलिक और मुटियारिन की सजा के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। तीसरा, हनाल पाटा। बस्तर में मृत व्यक्ति की आत्मा को हनाली या जीव के नाम से जाना जाता है। जब एक आदमी मर जाता है तो शव को हुटर या ढोल के साथ गाते या नाचते हुए दफनाने के लिए ले जाया जाता है। इस अवसर पर वे मृत व्यक्ति के लिए हनाल पाटा गाना गाते हैं। चौथा, पेन पाटा। आप मोरिया देवालयों में देव देवताओं के कुल देवताओं को पा सकते हैं। पेन पाटा के नाम से जाने जाने वाले आदिवासी देवताओं के लिए ये गीत गाए जाते हैं। चौथा, परका पाटा। परका पाटा एक प्रकार का खेती गीत है। ग्रामीण चेलिकों को खेती के लिए एक जमीन का टुकड़ा देते हैं, जिसे चेलिक पारका के नाम से जाना जाता है। खेती के दौरान वे कई प्रकार के गीत गाते हैं। इस गाने को ही परका पता के नाम से जाना जाता है। पांचवा, लिंगो पाटा। लिंगो एक देवता, नायक, प्रसिद्ध पूर्वज और बस्तर में घोटुल के संस्थापक हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए शराब और कई उपयोगी चीजों की खोज की, इसलिए वे लिंगो को खुश करने के लिए लिंगो पाटा गीत गाते हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि घोटुल में किए जाने वाले नृत्य कौन से होते हैं। पहला, घोटुल में अभ्यास के लिए किए जाने वाले नृत्यों में परांग एंदना और गवर नृत्य प्रमुख होते हैं। दूसरा, एंदना का अर्थ नृत्य होता है। परांग एंदना मांदर नृत्य है, जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तीसरा, गवर नृत्य एक नृत्य नाटिका है, जिसे मनोरंजन के लिए किया जाता है। चौथा, घोटुल के लड़के लड़कियां शादी ब्याह में जाकर भी नृत्य करती हैं। पांचवा, घोटुल नृत्य और कोकरंग नृत्य गांव के लड़के लड़कियां करते हैं। इन सभी नृत्य और संगीत का अभ्यास घोटुल में ही किया जाता है। छठवा, आदिवासी समाज दिवाली के बाद कोलांग नाचता है। कोलांग नाच अपने गांव में नाचने के बाद दूसरे गांव में जाया जाता है।
इस नृत्य में भी घोटुल के लड़के लड़कियां अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं कि घोटुल का महत्व क्या है। बस्तर की गोंड जनजाति की एक शाखा मुरिया के बीच प्रचलित घोटुल युवा वर्ग के लिए गृहस्थ और सामाजिक जीवन की प्राथमिक पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक की भूमिका निभाती है। आइए देखते हैं कि घोटुल का इस जनजाति में क्या महत्व है। छत्तीसगढ़ सरकार वन विभाग के सहायक वन संरक्षक रमेश चंद्र दुग्गा जी का मानना है कि घोटुल एक नियम आबद्ध परंपरा है, इसे गोड़ जनजाति का विश्वविद्यालय कहा जाना चाहिए। घोटुल बैठिया प्रथा के ही समानांतर है। बैठिया प्रथा में लोग गांव के अंतर्गत एक दूसरे की बिना मेहनताना सहायता करते हैं। सहकार की भावना ही घोटुल की मुख्य पहचान है। दूसरा, सुप्रसिद्ध काष्ठ शिल्पी श्री पंडिराम मंडावी कहते हैं कि घोटुल में हमें आपसी भाईचारे की सीख मिलती है। अपनी परंपरा के प्रति लगाव की सीख देता घोटुल सहकार की भावना को मजबूत करता है। तीसरा, घोटुल एक जीवंत सामाजिक संस्था के लेखक श्री कुमार चंद्र जी का मानना है कि घोटुल एक समन्वयकारी संस्था है जो न केवल वनवासियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सबल बनाती है बल्कि समाजगत और व्यक्तिगत उन्नति की द्वार भी खोलती है। चौथा, अपनी रचना मुरिया नारी में घोटुल की विशेषता बताते हुए श्रीमती शांति बाई जी लिखती हैं कि घोटुल बस्तर के जनजातीय जीवन का स्पंदन है। घोटुल वह स्थान है जहां मुरिया युवक युवतियों को परंपरागत सांस्कृतिक घटकों और जीवन मूल्यों का प्रशिक्षण व्यवहारिक रूप से दिया जा सकता है। पांचवा, मुरिया समाज में घोटुल संस्था की उपादेयता इस संदर्भ में उल्लेखित है कि यह वैवाहिक संबंध के पूर्व युवक युवतियों को एक दूसरे को समझने में सहायक होती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि घोटुल का सामाजिक सरोकार क्या है। घोटुल को प्रारंभ से ही प्रभावी और सर्वमान्य सामाजिक संस्था के रूप में मान्यता मिलती रही है। एक बात ध्यान रखनी होगी कि घोटुल में मनोरंजन गौण है तथा सामाजिक सरोकार मुख्य। वे सामाजिक सरोकार क्या है आइए देखते हैं। पहला, लोगों की सोच के परे युवक युवतियों को सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की शिक्षा दी जाती है। दूसरा, संगठन और सामाजिक सहकार की भावना को बल दिया जाता है। तीसरा, गांव और संबंधित क्षेत्र के किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य में निःशुल्क तथा पूरे मनोभाव से श्रमदान किया जाता है। चौथा, भावी वर वधु को उनके वास्तविक वैवाहिक जीवन में क्या समस्याएं आने वाली है की सीख दी जाती है। पांचवा, हस्तकलाओं सहित विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण तथा अपनी संस्कृति के संरक्षण का पाठ पढ़ाया जाता है। छठवां, सभी नवयुवक नवयुवतियों में इस प्रकार का प्रशिक्षण और बंधुत्व की भावना का विकास किया जाता है कि गांव में आई किसी भी प्रकार की विपत्ति का वे सामूहिक रूप से सामना कर सकें। सातवां, वाचिक परंपरा का नित्य प्रसार करना सुनिश्चित किया जाता है। आठवां, अनुशासित जीवन जीने की सीख दी जाती है। नौवां, जहां आज भी शिक्षित समाज विवाह के लिए जाति धर्म को ही सबसे पहला मानता है, वहीं घोटुल में प्रेम तथा एक दूसरे को समझने की व्यवस्था ही शादी के लिए निर्णायक तत्व है। मुरिया और माड़िया समुदाय की जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद घोटुल आज खत्म होने लगे हैं। अगर इसके कारणों की चर्चा की जाए तो निम्न बिंदु सामने आते हैं। पहला, यह अवधारणा कि युवा घोटुल में यौन संबंध बनाने जाते हैं, लेकिन यह बात असत्य है और ऐसा माना जा सकता है कि शोधार्थियों के अल्प ज्ञान के कारण यह भ्रांति फैली है। दूसरा, धार्मिक प्रचारकों एवं मिशनरियों के कारण भी घोटुल परंपरा को क्षति पहुंची है। बस्तर के बहुत से गांवों में धर्म परिवर्तन किए हुए आदिवासियों को घोटुल आने की अनुमति नहीं है। तीसरा, एक समाचार के अनुसार माओवादियों ने भी घोटुल खत्म करने की पूरी कोशिश की है ताकि युवा आदिवासी माओवादी क्रांति से जुड़ सकें। चौथा, 1970 के दशक में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाई जिसमें घोटुल को एक नाइट क्लब की तरह दिखाया गया था। उसी समय नारायणपुर कलेक्टर ने अबू झमाड़ में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। पांचवा, रामकृष्ण मिशन आश्रम शालाओं में जाने वाले आदिवासी बच्चे अपना पूरा समय वही व्यतीत करते हैं तथा यह घोटुल के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से क्षति का काम करती है। छठवा, भारत की आजादी के बाद आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने की पूरी कोशिश की गई। बाहरी लोगों से आदिवासियों का संघर्ष बढ़ा और उनकी सोच में बदलाव आने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त कारण उन बहुत से कारणों में से कुछ हैं जिसके कारण आज घोटुल अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं या घोटुल के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है। अब देखते हैं कि घोटुल के पुनरुत्थान के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। घोटुल सिर्फ मुरिया या माड़िया समुदाय में ही नहीं बल्कि पूरे गोंड समुदाय के लिए
उनकी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा रहा है। जरूरत है घोटुल के बारे में बनी गलत अवधारणाओं को खत्म करने की। शासकीय, अशासकीय तथा व्यक्तिगत स्तर पर घोटुल परंपरा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला, लेखक कुसुम आलामा, मनीरावन दुग्गा, सुंदेर सिंह ताराम, उषा किरण आत्राम जैसे लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से घोटुल के बारे में लगातार लिख रहे हैं और घोटुल के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, सुखरंजन उसेंडी जो पंखाजुर निवासी हैं, ने गोंडी भाषा में गोंडवाना ता घोटुल नामक फिल्म बनाई है, जिसमें उन्होंने घोटुल की महत्ता और जरूरत को समझाने का सकारात्मक प्रयास किया है। तीसरा, कांकेर जिले के दमकसा गांव के निवासी अध्यापक श्री शेर सिंह आचला ने घोटुल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक नया तरीका ढूंढा है, जहां वे विभिन्न यात्राओं और कार्यक्रमों में घोटुल और उसकी जरूरतों को समुदाय के बीच प्रसारित कर रहे हैं। चौथा, लालसू नागोटी, घोटुल तथा उसके ढांचे का उपयोग करते हुए आदिवासी मुद्दों, त्योहार, यात्रा, संघर्ष आदि की चर्चा करते हुए घोटुल की महत्ता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवा, 8 अप्रैल 2022 को जब घोटुल प्रतिनिधियों का दल झलमलको लायोर उत्सव के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने पहुंचा, तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने घोटुल के अस्तित्व को बनाए रखने की बात करते हुए इसके महत्व को स्वीकार किया था। छठवा, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2021 में आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए प्रत्येक गांव में घोटुल गुड़ी के निर्माण की भी बात स्वीकार की थी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों में भी कौन से युवा गृह प्रचलित हैं। मोरिया और उनके घोटुल के बारे में विस्तृत चर्चा करने के बाद अब यह देखा जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अन्य जनजातियों से संबंधित युवा गृह कौन से हैं, जिसमें से प्रमुख हैं धुमकुरिया उरांव, गिती ओना बिरहोर, घसरवासा भुंजिया, रंगबंग भारिया, धांगा बक्सर परजा, धांगड़ा कोंध आदि। आइए अब एक सामान्य से चर्चा कर लेते हैं कि घोटुल के देवता लिंगो कौन है और उनका घोटुल किस प्रकार से था। आदिवासी समाज कुपार पारी लिंगो देवता को घोटुल संस्कृति का संस्थापक मानता है। लिंगो गीत संगीत और नृत्य के देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही आदिवासी समाज को नृत्य और संगीत सिखाया है। आदिवासी समाज मानता है कि इनके द्वारा ही लोकवाद्यों की रचना की गई थी। जिस प्रकार अन्य समाज के कला साधक भगवान शंकर के नटराज रूप को मानकर कला की साधना करते हैं, उसी प्रकार आदिवासी समाज लिंगो का स्मरण करता है। आदिवासी समाज इस बात को मानता है कि लिंगो ने नृत्य भौरा और गायन की कला ओडार मांझी अर्थात मधुमक्खी से सीखा। आदिवासी समाज की कल्पना में लिंगो देवता का घोटुल बेड़िया टोडरा अर्थात घोड़े की तरह सुंदर दिखता था, जिसके खंभे मासूल मुंडा अर्थात अजगर सांप की तरह तथा छत मयूर के पंख के समान थी। घोटुल वही स्थान है जहां लिंगो अपनी संगीत साधना करते थे। शाम को गांव के युवक युवती उस स्थान पर आते और नाचते गाते। आगे चलकर यही स्थान घोटुल या घोटुल बन गया। आदिवासी समाज की कल्पना में लिंगो देवता का घोटुल जिस तरह का था, आज का घोटुल भी उसी प्रकार है। घोटुल सिर्फ गांव का सभागृह नहीं, बल्कि सामुदायिक जीवनचर्या, निर्णय लेने की सामूहिक प्रक्रिया और लोक संभाव तथा सहकार के अत्यंत रचनाबद्ध तरीकों का एक जीवंत उदाहरण है। घोटुल में लिए जाने वाले निर्णय सभी के लिए बंधनकारी होते हैं। घोटुल आदिवासी सामाजिक संस्कृति की बहुआयामी व्यवस्था है। एक अर्थ में यह एक ग्राम सभा है जो सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र होने के साथ शिक्षण और प्रशिक्षण का संस्थान भी है। विकास, शिक्षा, संस्कृति संरक्षण तथा सशक्तिकरण का मादा रखने वाला घोटुल अपनी व्यवस्था तथा आधुनिकीकरण के कारण नहीं, बल्कि दुष्प्रचारों की वजह से पतन की ओर है। बरसों पहले अपने पारंपरिक ज्ञान को बचाए रखने, सामुदायिकता का महत्व समझाने तथा सहकार की भावना के लिए घोटुल का निर्माण किया गया था। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम यही उम्मीद करते हैं कि घोटुल के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी और घोटुल के बारे में फैली भ्रांतियों को भी दूर किया जा सका होगा। इस दस्तावेजीकरण को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।